टीकमगढ़ में अवैध शराब का खेल धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला माडूमर गांव का है, जहां पर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा खोला। महिलाओं ने लगातार तीसरी बार कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को एक ज्ञापन भी सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब ठेकेदार उनके गांव में अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, जिससे घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है, कई परिवार भी उजड़ गए हैं। वही मामले में आबकारी अधिकारी ने उचित कार्रवाई की बात कही। इसके पहले तीन बार शिकायत कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज भी कुछ नहीं मिला, आज भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जा ही नहीं रहा, कोई कह ही नहीं रहा कि बंद हो दारू। सरकार भी मिली हुई है यहाँ। डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे, क्या बोला उन्होंने? भी कुछ नहीं बोला, सुन के चले गए। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, विरोध करना उनका वाजिब है। कार्रवाई हो रही है, अब वो सहयोग करें, गांव से गांव वाले सहयोग करेंगे, हम कार्रवाई करने को तैयार हैं।